मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी में कुछ चीजें समझने में दिक्कत आती है, तो वो चीज अगर आपको खुद सीईओ सर समझा दें तो सोचिए आपको कैसा सिक्योर फील होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई लोग बोलते हैं कि ईजीपे को सिक्योरिटी रीजन के लिए हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो आपको बता दूं आप जो सिक्योरिटी वाला कंपनी में काम करते हैं उस सिक्योरिटी वाला कंपनी का जरा सीईओ सर से बात करके देखें तो फिर मैं मान लूं। वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ईजीपे वॉलेट लोड कैसे कर सकते हैं। ईजीपे वॉलेट लोड का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको हम लोग दिखाएंगे। ईजीपे वॉलेट आप कई प्रोसेस से लोड कर सकते हैं, कुछ में चार्जेस आपको पे करने होते हैं और कुछ फ्री भी है। तो आज के इस वीडियो में दोनों प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कैसे आप ईजीपे वॉलेट लोड कर सकते हैं। ईजीपे वॉलेट लोड करने का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में है। बहुत लोग बोल रहे थे हम लोगों को ईजीपे वॉलेट लोड कैसे करना होता है, तो आज के इस वीडियो में आप बने रहे, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। वैसे आप अगर कोई अदर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ईजीपे को ट्राई करके देख सकते हैं। ईजीपे का रिटेलर आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आप एक बार यूज करके देख सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो 499 रुपीस में डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं और अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। ईजीपे को एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये हम लोगों का रिटेलर का एक्सपीरियंस है, हम लोग आपको बता रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आप कैसे ईजीपे वॉलेट लोड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले आप ईजीपे ऐप को खोल लीजिए। खोलने के बाद यहाँ पर वॉलेट वाले सेक्शन में आएंगे तो जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड फंड का एक मिडिल में ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप दो टाइप से वॉलेट लोड कर सकते हैं, सबसे पहला है पेमेंट गेटवे और दूसरा है बैंक डिपॉजिट पर ऑनलाइन ट्रांसफर। तो दोनों प्रोसेस ही मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैक्स और किया वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे से अगर आप करना चाहते हैं यूपीआई से, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करने बोलेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि पेमेंट गेटवे से आप मैक्सिमम एक बार में 1000 वॉलेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 एंटर करने के बाद यहाँ पर नाम एंटर कीजिए और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका बैलेंस ऐड कर दिया जाएगा जैसे ही आप पेमेंट को सक्सेस करा देते हैं यूपीआई से। ये तो गया यहाँ पर पेमेंट गेटवे से वॉलेट लोड कर सकते हैं, बट जितने सारे लोग डीएमटी करते हैं उन लोगों को पेमेंट गेटवे से ऐड नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों को हाई अमाउंट ट्रांजेक्शन करना होता है, हाई अमाउंट ऐड करना होता है। उसके लिए आपको बैंक डिपॉजिट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है कैश डिपॉजिट पर ऑनलाइन ट्रांसफर, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कैश डिपॉजिट बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर बैंक का डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। अब कैश डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सीडीएम कार्ड है या फिर आप बैंक के द्वारा कैश डिपॉजिट करते हैं डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो यहां पर आप एसबीआई और एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोनों बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। SBI बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब आप अपने बैंक में जाकर के डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट में यहां पर पेमेंट कर सकते हैं SBI और एक्सिस, या फिर CDM कार्ड से भी कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट चार्जेस मैं आपको बता दूं, यहां पर SBI और एक्सिस बैंक का कैश डिपॉजिट में आपको चार्जेस पे करना होता है। SBI का पार ट्रांजेक्शन आपको 10 रुपीज देना होता है, मतलब यहां पर ट्रांजेक्शन अमाउंट जितना भी हो, 1 लाख हो 2 लाख हो, पार ट्रांजेक्शन आपको बस 10 रुपीज ही देना है SBI में। साथ ही यहां पर एक्सेस में आपको अगर आप 10,000 से नीचे डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको 25 रुपीज का चार्ज देना होता है। अगर आप 10,000 से ऊपर करते हैं तो 0.10% का चार्ज एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर SBI में आपको 10 रुपीज पर ट्रांजेक्शन लगता है और यहाँ पर एक्सिस बैंक में आपको जो है 0.10% लगता है अगर आप 10,000 से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी बैंक अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपने SBI या फिर एक्सिस बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिए हैं, अब आपको वॉलेट रिक्वेस्ट लगाना है। वॉलेट रिक्वेस्ट लगाने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं सबमिट ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट और दूसरा है यहाँ पर सबमिट कैश डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपने कैश डिपॉजिट किया है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में आपको लेकर के आएगा।
सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करने बोलेगा कि आप कौन सा बैंक से ट्रांसफर किए हैं, आपका कौन सा बैंक अकाउंट था। तो यहाँ पर कई बैंक का लिस्ट दिया गया है, इनमें से अगर बैंक है तो सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका इनमें से बैंक नहीं है तो अदर्स बैंक आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको टू बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने बोलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, अपने एक्सिस बैंक या फिर SBI कौन से मैं डिपॉजिट किया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा भी दिया जाएगा कि 10 रुपीज आपका चार्जेस लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मोड में क्लिक करेंगे कैश, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे जितना भी आपने डिपॉजिट किया है। उसके बाद रिमार्क में आपको मोबाइल नंबर आपका दे देना है, अब वही मोबाइल नंबर आपको देना है जो बैंक के साथ रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद सेलेक्ट प्रूफ में क्लिक करना है, उसके बाद गैलरी से आपको जो प्रूफ मिला है, रिसीप्ट मिला है, उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबमिट में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट रेज हो जाता है और यहाँ पर विद इन 20 से 30 मिनट में आपका वॉलेट लोड अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया है वो आपके यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रोसेस के बारे में। दूसरा प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई बैंक अकाउंट आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 बैंक अकाउंट आपको दिखाया जाएगा, बट आपको ICICI और HDFC ही यूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ICICI बैंक डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं, और सबसे नीचे आपको दिखाया जाएगा HDFC बैंक का डिटेल्स। तो इन दोनों बैंक अकाउंट में आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब IMPS, UPI, NEFT ये सब आप कर सकते हैं ऑनलाइन से ही। अब इसमें ट्रांसफर करने के लिए आप जो भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ये फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, ठीक है। ICICI और HDFC में अगर आप पे करते हैं डिपॉजिट करने के लिए तो इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। मान लीजिए आपने HDFC या फिर ICICI में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं, अब ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद अब आपको वॉलेट रिक्वेस्ट रेज करना होता है। रेज करने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो मैंने दो ऑप्शन बताया था, सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं सबमिट ऑनलाइन ट्रांसफर रिपोर्ट, इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो फिर से एक छोटा सा फॉर्म खुल करके आ जाता है, इसमें आपको फिर से सिलेक्ट करना है कि आप अपने कौन सा बैंक से ट्रांसफर किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस लिस्ट में से अगर आपका बैंक है तो सिलेक्ट कर लीजिए, वरना आप अदर्स बैंक को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने कौन सा कंपनी का बैंक अकाउंट में पे किया है, तो यहाँ पर HDFC किया है तो HDFC, ICICI किया है तो ICICI, एग्जांपल के लिए ICICI मैंने सेट कर लिया। उसके बाद नीचे आएंगे सेलेक्ट पेमेंट मोड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे ट्रांजेक्शन नंबर, UTR नंबर या फिर RRN नंबर, इन तीनों में कोई भी एक नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए जो आपका जनरेट हुआ है ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान। उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर अमाउंट एंटर करेंगे, कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद नीचे रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रूफ में क्लिक करेंगे और रिसीप्ट कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जो भी स्क्रीनशॉट है या फिर जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर आपने किया है उसका प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली आप सबमिट में क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट में क्लिक करते हैं तो ये वॉलेट रिक्वेस्ट भी रेज हो जाता है और यहाँ पर 20 से 30 मिनट के अंदर आपका वॉलेट को अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप यहाँ EasyPay का वॉलेट लोड कर सकते हैं, इंस्टेंट क्रेडिट और यहाँ पर 30 मिनट्स क्रेडिट में आप कैश डिपॉजिट और ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया SBI में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो इसमें आपको 10 रुपीज चार्ज लगता है, एक्सिस बैंक में 0.10% का चार्जेस लगते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। ICICI और HDFC में आपको ट्रांसफर करना है तो कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, आप फ्री में वॉलेट लोड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप वॉलेट लोड कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।